Welcome to our show, that is painting. Today we have a very interesting topic, that is folk painting of India. So बच्चे, मुझे आशा है कि आप लोगों के लिए भी ये प्रोग्राम बहुत ही पसंद आएगा. तो आप भी अपना क्वेरीज अपने कॉपी में लिख के रखिए, हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद. So हम शुरू करते हैं हमारा प्रोग्राम को. What is folk art? जरूर आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा. तो चलो हम जानते हैं folk art क्या है. लोक कला विश्व की पारंपरिक संस्कृतियों की अभिव्यक्ति है. लोक कला उन व्यक्तियों द्वारा बनाई जाती है जिनके रचनात्मक कौशल किसी व्यक्ति या विशिष्ट कलात्मक पहचान के बजाय उनकी सामुदायिक प्रामाणिक संस्कृति पहचान को व्यक्त करते हैं. भारत की लोक कला बहुत प्राचीन है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित की जाती है. कलाकारों ने महाकाव्य देवी देवताओं से कला के विषय को अपनाया. पुराने दिनों में कलाकार प्राकृतिक रंगों मिट्टी लकड़ी का कोयला और ड्राई लीव्स जैसे सूखे पत्तों का इस्तेमाल करते थे. कला में पुरातनता लाने के लिए उनके कैनवस और कपड़े पर पेंटिंग करते थे. तो कौन सा पेंटिंग, चलो आप आपके सामने है, आप देखिए जरा. तो 8 लोक चित्र भारत में मान्यता प्राप्त है. आप देखिए क्या क्या लोक चित्र लोक कलाएं हैं, जैसे मधुबनी पेंटिंग, पटचित्र पेंटिंग, पिथौरा पेंटिंग, कलमकारी पेंटिंग, कालीघाट पटचित्र, फ्लोर पेंटिंग, वाली पेंटिंग, थंका पेंटिंग. चलो आगे बढ़ते हैं. तो कालीघाट पटचित्र किसे कहते हैं, यह पश्चिम बंगाल की लोक चित्रकला है. यह कालीघाट काली मंदिर कोलकाता में, कोलकाता के आसपास के क्षेत्र में उत्पन्न हुआ, मतलब ये कला वहीं पे वहीं से इसका शुरुआत हुई है. इस कला के विषय के रूप में उपयोग किया जाता है विभिन्न हिंदू देव देवताओं और अन्य पौराणिक कहानी के चित्रों. ये कालीघाट पेंटिंग का चित्र है. देवी देवी दुर्गा बैठी हैं, उनके गोद में गणेश उनका ज्येष्ठ पुत्र बैठे हैं. तो इस तरह की पेंटिंग वो बनाते थे कालीघाट पटचित्र में. ये पेंटिंग को देखने से ही आपको लगेगा कि इसमें जो स्टाइल है, जो बनाने का स्टाइल है, सारी चित्र में एक स्टाइल मेंटेन करते थे तब के कालीघाट आर्टिस्टों ने. कालीघाट के चित्रकारों ने अपने माध्यम का इस्तेमाल व्यंग और व्यंग के माध्यम से ब्रिटिश प्रभावित भारतीयों के साथ व्यवहारिक आलोचना को दिखाने के लिए कोशिश की है. नए रिच यानी आमिर बंगाली उदाहरण के लिए भारतीय कलक यानी बाबू, जो बाबू वाला स्टाइल है, उस स्टाइल को उन्होंने अपनाए थे. अपने ब्रिटिश की तरह कपड़े पहनने और व्यवहार करने की इच्छा रखते थे. इस पेंटिंग में एक नाई अपनी पागरी में पिन लगाकर एक महिला ग्राहक के कान साफ कर रहा है. एक फैशनेबल महिला वो एक हुक्का पीती है, जैसे कि बंगाली बाबुओं ने अपनी दरबारियों के साथ समय बिताते थे. वही चित्र के रूप में चित्रित किया गया. तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में उनको ताना मारने का एक बहुत ही सुंदर स्टाइल है. और ये सिर्फ ताना नहीं है, बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग उस समय चित्रकारों ने, कालीघाट चित्रकारों ने बनाते थे. उनकी सामाजिक स्थिति का भेद वेशभूषा और पहनावे द्वारा चिन्हित किया गया है. इट इज ऑल्सो स्टेटेड दैट द पेंटिंग इज कैरेक्टराइज बाई अ फ्लैट बैकग्राउंड एंड प्रीडोमिनेट यूज ऑफ कलर्स लाइक ब्लैक रेड एंड येल्लो फिगर्स आर राउंडिश इन ट्रीटमेंट एंड स्किन इज लेफ्ट व्हाइट. Use of the light and shade to bring modeling is a noticeable element of Kalighat painting. It seems that Kalighat painters were fascinated with jewelry and ornaments. The big earring with pearl, and interesting to note, linearity is another characteristics of this folk forms. Now we will talk about the daily life in village, right? Kalighat
पेंटिंग जो कंपोजिशन है बहुत ही ब्यूटीफुल है, इसकी आईज देखने से आपको बिल्कुल पता लग जाएगा कि दिस इज कालीघाट पेंटिंग। सो नाउ लेट अस लर्न अबाउट कलमकारी पेंटिंग, दिस इज वन ऑफ द अनदर फोक पेंटिंग ऑफ इंडिया। सो नाउ यू कैन सी द ट्रेडिशनल कलमकारी पेंटिंग, ये एकदम ट्रेडिशनल कलमकारी पेंटिंग इसलिए कहा जाता है, उस समय पे ये पेंटिंग इस तरह से बनाया जाता था। आजकल मार्केटिंग की वजह से काफी चेंजेस इसमें आ गया है। सो इसमें जो कलर भी यूज किया है लोकल कलर, लोकली अवेलेबल कलर यूज किया है, डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल से, फ्रूट से, पत्ते से, कोयला से, पत्थर से डिफरेंट डिफरेंट कलर बना के वो यूज करते थे। दिस इज अ ट्रेडिशनल कलमकारी पेंटिंग। सो दिस इज अनदर कलमकारी पेंटिंग, आप अच्छी तरह से देखिए उन्होंने जो कलर डाल रहे, कलम से कलर डाल रहे हैं, वो कलम कलम से कैसे कलर डाल रहे हैं, रेड कलर का वो पूरा भर रहे हैं उसमें, और कलम को किस तरह से पकड़ के वो कलर डालते थे और पेंटिंग को कितनी सुंदर से बनाते थे, आपको देखने से हमें हैरान हो जाते, हम चकित हो जाते कि कितनी सुंदर तरीके से मामूली सा कलम से, क्योंकि कलमकारी के बारे में हम जानेंगे जरूर, फिर भी हम एक बार एक छोटा सा बात आपको बता दें, कलमकारी कलम से कारी किया है, कलम से पेन से उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन बनाया तभी इसको कहते हैं कलमकारी। और कलम से ड्राइंग बनाना बहुत ही डिफिकल्ट है, उतना आसान नहीं है, तो उन्होंने कलर भी उसमें डाल रहे थे, किस तरह से वो कलर डाल रहे थे आपके सामने है। तो चलो हम जानते हैं कलमकारी पेंटिंग के बारे में। मध्ययुगीन इस्लामी शासन के तहत कलमकारी शब्द कलम शब्द से लिया गया था, जिसका अर्थ तेलुगु में कलम मतलब पेन, और कारी जिसका अर्थ है शिल्प कौशल। गोलकुंडा सल्तनत के संरक्षण में कलमकारी पेंटिंग लोकप्रिय हो गई। कलमकारी पेंटिंग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उत्पादित एक प्रकार का हाथ से पेंट या ब्लॉक मुद्रित सूती कपड़ा है। कलमकारी में केवल प्राकृतिक रंग का उपयोग किया जाता था जिसमें 23 चरण शामिल होते थे। भारत में कलमकारी कला की दो विशिष्ट शैलियां हैं, श्री कलहस्ती शैली और मछलीपट्टनम शैली, दो विशिष्ट शैलियां हैं। ये कलमकारी पेंटिंग है, कलमकारी आर्ट भी हम कह सकते हैं। इसमें ट्री ऑफ लाइफ ये थीम है इसका, ये भी एक ब्यूटीफुल थीम है, ब्यूटीफुल पेंटिंग है कलमकारी पेंटिंग का। इस थीम से काफी सारे उन्होंने पेंटिंग बनाए हैं, इस थीम का भी बहुत सुंदर मीनिंग रहता है। चलो हम जानते हैं इस थीम का मीनिंग क्या है, किस तरह से क्या सोच के कलमकारी आर्टिस्टों ने ये पेंटिंग को बनाए थे। ट्री ऑफ लाइफ ये जो थीम से जो पेंटिंग बनाए थे इसके बारे में हम जाने। कलमकारी पेंटिंग ट्री ऑफ लाइफ एक विशेष रूप से लोकप्रिय है, जिसकी जड़े आकाश की ओर बढ़ते हुए गहरी होती है। यह आकाश, पृथ्वी और अधोलोक मतलब अंडरवर्ल्ड, जैसे एक पेड़ ऐसे बड़ा होता है वो ऊपर ऊपर की तरफ जाते हैं तो आकाश, पृथ्वी का मतलब हम जहां पे पेड़ खड़े हैं ऐसे सीधा जमीन पे, और जड़े उसका नीचे की तरफ जाती है, ऐसे अगर जमीन ये है तो नीचे की तरफ जाती है तो वो अधोलोक। तो तीनों लोक को जोड़ने का जो एक स्टाइल है ये पेंटिंग में उन्होंने दिखा दिया है। तब के जमाने में ये जो थीम उन्होंने सोचा है और इस सोच के ये जो सभी तीनों लोक को जोड़ने का जो एक स्टाइल है ये बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने बनाया है, और ये बहुत ही फेमस थीम है और बहुत ही फेमस पेंटिंग भी है। तीनों लोक को जोड़ती है, डिजाइन में शाखाओं और पत्तियों के शैलीबद्ध फैलाव पर फूलों के पारंपरिक भारतीय उद्देश्य शामिल है, और मोर सहित कुछ पंछी इस आकृति का हिस्सा है। अब हम फर पेंटिंग के बारे में जानेंगे। फर पेंटिंग ये आपके सामने है, फर पेंटिंग दोनों भागों में डिवाइड किया जाता है। फर पेंटिंग को ऊपर का एक पोर्शन रहता है, नीचे का एक पोर्शन रहता है, लेकिन स्टोरी दोनों में ही मिलता है। एक स्टोरी को हम जो दो भागों में डिवाइड करते हैं तो हम दो भागों में इसको बनाते हैं। और ये है दूसरा फर पेंटिंग, फर पेंटिंग रॉयल सीन, नॉर्मली वो रॉयल सीन ही बनाते थे राजस्थान, फर पेंटिंग राजस्थान का है, वो रॉयल सीन ही बनाते थे। और किस तरह से राजाओं ने जब युद्ध में अपने आप को जीतने के बाद जिस तरह से वो अपने जोश में रहते थे, जिस तरह से वो अपने आप को अपने राजा का जो जय जयकार करते थे, तो ये सारी चीजें इसमें दिखाया गया है। छोटी सी पेंटिंग में बहुत सारी चीजें मैसेज दिया जाता है।
ये अनदर फार पेंटिंग है राजस्थान की। तो चलो हम फार पेंटिंग के बारे में जाने। फार पेंटिंग क्या है? फार इज वन ऑफ द फेमस फोक पेंटिंग स्टाइल ऑफ राजस्थान विच जनरली डिपिक्ट्स द रॉयल एंड सेक्युलर थीम्स। दिस पेंटिंग्स आर नैरेटिव इन नेचर एंड आर पेंटेड ऑन फ्लैट बैकग्राउंड। दिस एनलिस्टेड पिक्चर इज ओनली अ पार्ट ऑफ अ पैनल विच शोज राजस्थानी मैन and women are engaged in various types of work. The whole panel is divided into same segments to describe different activities of social life of various people like soldier, worshipper, horse rider and royal attendants on elephant and camel. So, bahut sari cheeze isme rehti hai. शोल्जर का भी कहानी रहती है, वोशिपर जो पूजा करते हैं इस तरह की भी कहानी रहती है, हॉर्स राइड करके कहीं जा रहे हैं या कहीं युद्ध में जा रहे हैं वो भी रहता है, रॉयल अटेंडेंट्स का भी रहता है, रॉयल सीन भी डिफरेंट डिफरेंट राजाओं का भी सीन रहते हैं, बहुत सारे सीन रहते हैं। और इसके साथ एनिमल्स भी रहते हैं, एलिफेंट कैमल, क्योंकि उस समय पे ये ज्यादा एनिमल यूज होती थी। इन स्पाइट ऑफ मल्टीपल format in the composition, a unity is achieved by the painter which binds all elements into one. All the colors like red, yellow, green, black are very warm and decorative. The picture is full of local characteristics. The male members wear typical Rajasthani costumes like turban, belt and long dress while the females are in choli, lehenga, dupatta. Both men and women are decked in ornaments. Bolla, a kind of forehead ornaments for Rajasthani women, is also not missed. Everything is there. Human figures are drawn in a very simple manner. Though appear to be short, lines are flanked and are equal thickness. Jhukas or covered balcony in the painting gives a Rajasthani character to the picture. The animal like horse, elephant and specially camel for painted with ornaments. सारे animal को भी ornament लगाते थे तभी इसकी खूबसूरती बढ़ती है। एक elephant बना लिया और उसमें अगर ornament उसके ऊपर में चादर डाल दिया, चादर को भी different different सुंदर सजा दिया और उसके गले में भी कुछ डाल दिया, different कानों में भी कुछ लगा दिया, तो इसकी खूबसूरती और बढ़ती है। और जब हम जितना देखेंगे इसकी खूबसूरती और बढ़ेगी, जितना हम सजाएंगे उस चीज को तब वैसे ही बढ़ेगी। जैसे घर को सजाने से बढ़ते हैं, जब हम अपने आप को सजाते हैं हमारी अपने आप की खूबसूरती बढ़ती है, तो वैसे ही जब हम एलिफेंट को भी सजाएंगे, पेंटिंग को भी एक बहुत सुंदर तरीके से सजाएंगे, बहुत कलरफुल करेंगे, तो उसकी खूबसूरती और भी बढ़ेगी। हमारे प्राइम यहीं पे समाप्त होता है, हम विदा लेते हैं आपसे। नमस्कार।